बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान के साहिबजादे जुनेद खान भी डेब्यू फिल्म में महाराज बनने को तैयार हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार आमिर खान के साहिबजादे जुनेद खान की डेब्यू फिल्म महाराज को आइंदा माह 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। इन्होंने भारत के नामवर प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म से मुआहदा कर लिया है। फिल्मसाज आदित्य चोपड़ा को महाराज से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और इन्हें यकीन है कि नेटफ्लिक्स इसे दुनिया भर के सामेन तक पहुंचाएगी। महाराज की शूटिंग अक्टूबर 2023 में मुकम्मल हुई थी, जबकि फिल्म की हिदायतकारी के फराइज सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने अंजाम दिए हैं। फिल्म की कहानी 1862 में ब्रिटिश इंडिया में रोनुमा होने वाले सच्चे वाकये के गिर्द घूमती है। जुनेद खान फिल्म में सहाफी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक बासर शख्सियत के सामने उठ खड़ा होता है। वाज़ेह रहे कि 2019 में आमिर खान ने इशारा दिया था कि इनके बेटे जुनेद खान भी जल्द फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे, ताहम वो बेटे के लिए किसी अच्छी कहानी पर मबनी फिल्म के मुंतजर थे। जुनेद खान ने लॉस एंजलिस में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से ट्रेनिंग हासिल की है। इन्होंने जर्मन ड्रामा निगार बर्तुलत बरीख के खेल मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन से थिएटर से अपना करियर का आगाज किया था। फिल्मों में कदम रखने से पहले वो भारतीय टीवी शो मास्टरमाइंड्स का हिस्सा भी थे। इन्होंने फिल्म पीके में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ भी काम किया है, जिसमें आमिर खान ने मरकजी किरदार अदा किया था।